क्या आपने किसी भी टीवी सीरियल में कर्ण द्वारा अर्जुन को पराजित होते हुए देखा है? हमेशा से ये लोग अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित करने के लिए महारथी कर्ण के महान पराक्रम को कभी नहीं दिखाते। आज हम महाभारत के ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और जिसे आज तक इन टीवी सीरियल वालों ने कभी नहीं दिखाया है। आज ये वृतांत महाभारत ग्रंथ के कुछ पन्नों तक ही सिमट के रह गया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध से अर्जुन के पलायन की और कर्ण के किस महाशक्तिशाली अस्त्र को देखकर अर्जुन को अपने दो प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़ा था। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 17वां दिन था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पहली बात, रणभूमि में राधा पुत्र कर्ण पांडवों को हराने की शक्ति रखता है। दूसरी बात, और वो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा है। अंगराज ने युधिष्ठिर को हरा के रणभूमि से भगा दिया और भीम को भी बुरी तरह घायल करके जीवन दान दिया है। जब कर्ण अन्य महारथियों से लड़ता है तब अन्य महारथी अर्जुन के पीछे छिप जाते हैं। कर्ण पर्व के 43वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। अपने भाई युधिष्ठिर के पराजय को देखकर भी अर्जुन कर्ण से लड़ने नहीं गया था। इसके बजाय वो सम सबको से युद्ध करने लगा और सम सबको से युद्ध करने के बाद वो अश्वत्थामा से युद्ध करने लगा। कर्ण पर्व के 45वें अध्याय के अनुसार उस दिन वो महान क्षण आ ही गया जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने थे। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, अंगराज ने जीवन में पहली बार अपना पुरातन और शक्तिशाली धनुष उठाया जिसका नाम विजय था। आंख की पलक झपकाने से पहले अंगराज ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। महारथी कर्ण ने सत्य की शपथ खाई और धर्म की शक्ति से भार्गव अस्त्र का आवाहन किया। ये महाभयंकर अस्त्र जब कर्ण के विजय धनुष से चला तब करोड़ों तीर पांडव सेना पर कहर बरसाने लगी। पांडव पक्ष के पांचाल, सोमका और चेदी सैनिक मारे जाने लगे और सिर्फ वही बच सके जो इस अस्त्र को पीठ दिखाकर भागने लगे। ये बात अब स्पष्ट थी कि नारायण अस्त्र के समान भार्गव अस्त्र से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है इसे पीठ दिखाकर भाग जाना। कर्ण का चलाया हुआ महान अस्त्र जब अर्जुन की तरफ बढ़ा, पूरी पांडव सेना जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में थी तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, भार्गव अस्त्र का पराक्रम तो देखिए, दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना जो इस अस्त्र को नष्ट कर सके। और क्रोधित सूत पुत्र को भी देखिए, आज मुझे वो यमराज की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए, वो मेरी तरफ किस क्रोध से देख रहा है। मुझे कर्ण से इस युद्ध में जान बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक वो जीत सकता है, किंतु मरने के उपरांत भला वो कैसे जीत पाएगा। साथ ही अर्जुन ने कहा कि वो इस अस्त्र के सामने विवश था, इसलिए उसने भागने का मन बना लिया था। इस अस्त्र के सामने कई सारे योद्धाओं ने भागकर अपनी जान बचाई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को डरा हुआ देखा तब मन ही मन सोचा, युधिष्ठिर को ढूंढते हैं, तब तक कर्ण भी युद्ध करके थक जाएगा और अर्जुन को भी आराम मिलेगा। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए भागने का रास्ता बनाया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने दो प्रतिज्ञाएं ली थी। एक, जब अर्जुन ने भूरी शवा का हाथ पीछे से वार करके काटे थे तब भूरी शवा ने अर्जुन के धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया था कि उसने ये प्रतिज्ञा ली है कि वे अपने आसपास जहां तक उसकी वाणों की पहुंच है वहां तक वो किसी भी पांडव योद्धा की मृत्यु नहीं होने देगा। द्रोण पर्व के 118वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। भार्गव अस्त्र के समय सभी योद्धा रणभूमि में थे पर अर्जुन अपने प्रतिज्ञा के अनुसार किसी भी पांडव योद्धा की रक्षा नहीं कर पाए और तो और उन्हें मरने के लिए छोड़ वो वहां से भाग निकले। अर्जुन की दूसरी प्रतिज्ञा ये थी कि वो युद्ध में किसी भी योद्धा की चुनौती को अस्वीकार नहीं करेंगे। पर जब कर्ण भार्गव अस्त्र चलाकर उसे चुनौती दी तो उसे प्रति उत्तर देने की बजाय अर्जुन वहां से भाग निकला और अपने प्रतिज्ञाओं से ज्यादा अपने प्राणों को महत्व दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।